लिफ्ट में फंसने से महिला की मौत। सोसाइटी के आक्रोशित लोगों ने आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन किया। पारस टियरा सोसाइटी में 18वें फ्लोर पर रहने वाली महिला जब लिफ्ट से नीचे उतर रही थी, तब लिफ्ट में तकरीबन एक घंटे तक फंसे रहने के चलते उस महिला की मौत हो गई। महिला की पहचान 70 वर्षीय सुशीला के रूप में हुई है, जो पारस टियरा सोसाइटी के 24वें टावर के फ्लैट नंबर 1803 में रहती थी। महिला की मौत के बाद सोसाइटी के लोगों ने लिफ्ट और सोसाइटी में मेंटेनेंस का काम सही से न होने का विरोध जताया और तकरीबन 2 घंटे तक सोसाइटी में प्रदर्शन किया और आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट के इस्तीफे की मांग की। पहले क्या होता था कि माइगेट सॉफ्टवेयर होता था, उस सॉफ्टवेयर नहीं, अब ये जानबूझ कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, या मतलब हो सकता है अपना कट मनी इनका हिसाब किताब हो, क्योंकि ये बिना उसके कुछ नहीं है। एएमसी 2 महीने हो गए, एएमसी नहीं ले पा रही है, और उसके बाद है ना कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं, रेजिडेंस की सुनते नहीं है, और ऊपर से अगर कुछ कहता है तो एलिगेशन उस पर लगाते हैं, उसके खिलाफ नोटिस भेज देते हैं। आज ऐसा हुआ कि आपको काम के समय में लिफ्ट में एक लेडी जो कि फंस गई थी, नीचे गिर के उनका इंजरी हुआ, सफोकेशन हुआ, हॉस्पिटल में उनका डेथ हो गया। कौन सा टावर है ये? टावर 24। ये एओए का कौन अध्यक्ष है? एओए के मिस्टर गौतम जी है जो कि अध्यक्ष बन गए। 3 महीना से हम लोग लगातार कंप्लेन कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम है, सारे आपको रूम सारे छज्जे में मसाले गिर रहे हैं सारे। आप क्या कह रहे हैं? आप लोगों ने बातचीत करी को क्या कह रहे हैं? बातचीत करते हैं, मीटिंग करते हैं, नोटिस भेजवा देते हैं, थ्रेटन करते हैं, कोई बात नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। ये सारे जो है ये एओ के मेंबर सब आपस में माफिया। एफआईआर दर्ज हुई? एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है, मतलब मान नहीं कर रहे ना, मीटिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। ये हुई है कि लिफ्टों की रखरखाव नहीं है, पहले लिफ्टों की रखरखाव थी, रखरखाव ना होने के कारण 24 टावर में एक लिफ्ट गिरी है, उसमें एक वृद्ध महिला मर गई। और ऐसे नहीं है हर टावर में, और ये हर टावर में प्रॉब्लम आ रही है, जबकि जितने भी मेंटेनेंस है सब प्रीपेड है, रोज के हिसाब से पैसे कट। एओए से कहते शिकायत भी करते होंगे? एओ के मेंबर तो हमारे ऊपर जो कॉमन रेजिडेंट है आवाज उठाते हैं उन पर लीगल नोटिस भेज देते हैं, ये क्योंकि रिटायर्ड लोग हैं, इनके पास टाइम ही टाइम है, और आम जनता जो है, जो आम रेजिडेंट है यहाँ की, वो बेचारी कुछ बोल नहीं रही है। लोगों का कहना है कि महीने में कई घटना हुई हैं, नोएडा अथॉरिटी इसे अपने कंट्रोल में ले लें। इस सोसाइटी की हालत बहुत ही खराब है, मेंटेनेंस भी दे रहे हैं और लाठी भी खा रहे हैं, धांधली होती है, कंप्लेन देने पर पुलिस की धमकी देते हैं। थाना 142 पर एक सूचना मिली लगभग 7:15 बजे कि एक महिला जो पारस टियरा सोसाइटी में रहती है, उसकी लिफ्ट टूटने से वो घायल हो गई है, उसको फेलिक्स अस्पताल लाया गया है। तत्काल पुलिस बल जो मौके पहुंचा, जब वहाँ मौके पहुंचा तो उनके द्वारा बताया गया कि लगभग 6 बजे के आसपास एक घटना हुई है, जिसमें महिला लिफ्ट में जा रही थी और लिफ्ट की टूटी और उसको तत्काल हॉस्पिटल लाया गया। पुलिस को यह सूचना लगभग 7:15 बजे दी गई और पुलिस जो है जब पहुंची वहाँ पे तब तक महिला की मृत्यु हो चुकी थी। इसके उपरांत लगभग 7:45 बजे फोन आता है कि पारस टियरा सोसाइटी में कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जो वर्तमान एओ के अध्यक्ष हैं उनको जो है अपने साथ गाड़ी में बैठा लिया। इस पर कुछ लोग वहाँ पे आ गए और वहाँ पे इकट्ठे हो गए। उनका ये कहना था कि जो वर्तमान एओ के अध्यक्ष हैं उनकी समस्त कार्यकारिणी यहाँ पे आए और इस्तीफा दें, जबकि उनके परिजन तत्समय थाने पे मौजूद थे और तहरीर दे रहे थे। इसके उपरांत पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, 2 ACP, SHO बाकी तत्काल पारस टियरा सोसाइटी पहुँचे, लोगों से संवाद किया, बातचीत किया, तथा एडिशनल DCP थाने पर पहुँच के परिवारजनों से संवाद करके तहरीर प्राप्त करने लगे और हम सब लोग मौके पे पहुँच गए। इसके उपरांत जो है जो वर्तमान एओ के अध्यक्ष हैं, जो पुलिस के पास थे, जिसके खिलाफ परिजन तहरीर दे रहे हैं, उनको उनकी तबीयत खराब होने लगी, क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ रही थी, इसलिए उनको वहाँ से हॉस्पिटल ले जाना अति आवश्यक था। इसी क्रम में पुलिस द्वारा तत्काल जो है उन लोगों को समझा बुझाकर, जो लोग गाड़ी को रोके खड़े थे, अपने जगतर लोग थे, उनसे समझा बुझा करके हटा करके तत्काल इनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी परिवारजन तहरीर दे रहे हैं, तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में सभी सोसाइटी के सभी सदस्य अपने अपने घरों में जा चुके हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। प्रशासन का कहना है कि इस घटना की हमें 7:15 बजे सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और पता चला कि महिला की मौत हो चुकी है।
सोसाइटी के लोगों के द्वारा पारस टियरा सोसाइटी में वर्तमान अध्यक्ष को घेर लिया गया। पुलिस की आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाया। एओ के जो पदाधिकारी हैं पूर्व और वर्तमान, वो आपस में विवाद कर रहे थे। वो लोग पुलिस पर दबाव बना रहे थे कि वर्तमान अध्यक्ष इस्तीफा दें, लेकिन ये हमारा काम नहीं। चूंकि वर्तमान अध्यक्ष को लोग घेरे हुए थे, इसलिए हमने उन्हें गाड़ी में बिठाया। इसी बीच में उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। लोगों को समझा बुझाकर हटाया गया। तहरीर मिलने के आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।